अच्छा, हमको शायरी वायरी आती नहीं, ये सब अंदाजे बयां हैं और मैं और हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया हमें लग रहा है। आज 5-स्टार होटल का उद्घाटन है, जो होटल मालिक उद्घाटन पर मुशायरा कराए उसके मुस्तकबिल का खुदा ही मालिक है। जिंदाबाद, क्या बात है। लेकिन नहीं, भगवान कसम झूठ आज तक नहीं बोला, कभी कभी झूठ बोला ही नहीं। जब हमारे पूर्व मंत्री साहब और विधान परिषद के अध्यक्ष यहाँ बैठे हो तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। जिंदाबाद, क्या कहना है भाई। नहीं, सर्वेश भाई जिंदाबाद। क्या बात है भाई, वाह वाह। जिंदाबाद सर्वेश भाई। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं। मैं भगवान कसम मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे लिखने चलो, हालांकि कह मैं वही ना हूँ जो आप समझ रहे हैं, लेकिन 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 क्या होता है कि जैसे कुछ हम लिखने चलते हैं तो कोई चीज़ बोल्ड करनी हो उसके बगल का लफ्ज बोल्ड हो जाए। मैं कहना चाह रहा था कि मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत, मैं ये कहना चाह रहा था, लेकिन वो दूसरे पर बोल्ड हो गया तो हम क्या करें। लेकिन मैं बहुत आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शानदार ये कवि सम्मेलन मुशायरा है। सर, आप तो फिर एक कमरा मुझे परमानेंट यहाँ दे दीजिए और उसको मैं किराए पे उठाया करूँगा। नहीं, कहने नहीं दूंगा। नहीं, देखिए ये है, ऐसे कबूल वबूल सब करते हैं लेकिन फिर मना कर देते हैं। ऐसे जैसे हम शादी में 7 फेरे लेते हैं तो 7 शर्तें कबूल करते हैं, पालन 1 का भी नहीं करते हैं, आज तक नहीं किया। हिना जी पढ़ रही थी, बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ा उन्होंने कि दूसरी मोहब्बत हो सकती है। मैं ये नहीं समझ पाया, अब इस बात पे आप ताली बजाना, मैं ये नहीं समझ पाया कि हिना अपनी दूसरी मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि हस्बैंड की दूसरी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। ये मैं नहीं समझ पाया, बिल्कुल भगवान कसम नहीं समझ पाया, एकदम नहीं समझ पाया। लेकिन चूंकि वो सुना रही थी, वो ताली बजा रहे थे, तो आप हिंदुस्तान की जनता की तरह कंफ्यूजन में ही रहिए, वही आपकी। सर, क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जब कवि सम्मेलन मुशायरा एक साथ होता है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे इससे अच्छा आयोजन कोई नहीं लगता जब दोनों एक साथ होते हैं। क्या बात। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मैंने जो वीडियो भेजा था, मैंने बताया था कि पटना से मेरा एक नाता है, मैं वो बताऊंगा, तो मैं वो बता दूं कि यहाँ मेरे साढ़ू साहब रहते हैं। अच्छा, साढ़ू आप जानते हैं किसे कहते हैं? 2 आदमी एक ही कंपनी के द्वारा ठगे जाते हैं जो उनको साढ़ू कहते हैं। क्या बात है। नहीं, ये सर, जो जो लोग ठगे गए हो ताली बजा दें एक बार। सारे ठगे गए। अच्छा, रेहान भाई खुद ताली बजा रहे हैं, बताए। मैं बहुत, मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, इतने बड़े बड़े शायर। अच्छा, हमको शायरी वायरी आती नहीं, ये सब अंदाजे बयां हैं और मैं और हूँ। वाह, क्या बात है सर्वेश भाई, वाह वाह। तो मैं सच बताऊं कि मैं खुर्शीद भाई से फोन पे बात करता था तो ये लगता था, और मैं थोड़ा एकाध बार में तलख भी हुआ किसी चीज में। जब मैंने यहाँ इनको देखा तो मैं इनके सामने पढ़ा ही नहीं।
हम इतना डर गए इनको देख कर, नहीं यार ये तो आदमी है। बहुत डर गए, बहुत डर गए, बहुत डर गए। तो सर मैं आया आज, मैं बस दो चार मिनट बस आपसे शायरी वायरी इन लोगों से सुन लीजिएगा, सुना देंगे बढ़िया। तो मैं सुनो तो यार। मैं पटना एयरपोर्ट पर उतरा तो खुर्शीद भाई ने गाड़ी भेजी, हमसे कह रहे थे कि आपको गाड़ी लेने आएगी, आप चिंता मत करिएगा, गाड़ी लेने आई, बढ़िया गाड़ी मुझे लेने आई, मैं लिया गया। हाँ नहीं बिल्कुल भगवान कसम सच्चे, झूठ आज तक बोला ही नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल। मैं गाड़ी बैठा, जो मुझे रिसीव करने आए थे ड्राइवर साहब, उन्होंने मुझे बिठाया और मुझे से पूछ रहे हैं कहाँ चलना है। आप मेरी हालत खराब हो गई, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे रिसीव किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने खुर्शीद भाई को फ़ोन किया, हमने कहा कहाँ आना है, तो सिग्नल थोड़ा काम कर रहा था, थोड़ा नहीं कर रहा था, तो खुर्शीद भाई ने कहा होटल रॉयल बिहार आना है। ठीक है, ड्राइवर को भी नहीं पता, हमने कहा भैया तुमको भेजा गया है, तुम हो का? बोला मैंने आज ही सवेरे ड्राइवरी ज्वाइन की। आपने आज ही ज्वाइन की, रहने वाले कहाँ के हो? बोला मैं रहने वाला प्रतापगढ़ का हूँ। मतलब अब यहाँ के बारे में उसको कुछ पता नहीं, रॉयल बिहार होटल नया नया बना उसको बिल्कुल नहीं पता। मैंने रेहान भाई को फ़ोन किया कि रेहान भाई ये रॉयल बिहार होटल है कहाँ? तो इन्होंने कुछ समझाया, ये भी लखनऊ के रहने वाले, इनको भी यहाँ का खास नहीं पता था, तो कुछ ऐसे इन्होंने उल्टा सीधा हमें बताया। अब समझ में ना आया, ड्राइवर चलता जा रहा, पटना ख़त्म नहीं हो रहा। चलता जा रहा, फिर हमने फिर खुर्शीद भाई को फ़ोन किया, हमने कहा खुर्शीद साहब ये रॉयल बिहार होटल है कहाँ? अब जो खुर्शीद भाई ने जो PLF के करता धरता है, उन्होंने जो मुझे राय दी है, उस राय पे आप ताली बजा देना, आनंद आ जाएगा। हमने कहा खुर्शीद भाई ये रॉयल बिहार होटल है कहाँ? बोले अस्थाना साहब किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लीजिए। अब सर मैं डॉक्टर साहब आप ये बताइए क्या बात है भाई, वाह वाह। अब मैं भैया सबीना जी आप तो साथ ही में थी, ये साथ ही में थे सबीना जी, उसी गाड़ी में थी ये। हम जो है, इन्होंने कहा किसी आदमी से पूछ लो। अच्छा अब हम जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगे हैं। अध्यक्ष महोदय जिम्मेदार आदमी तो बहुत दिख रहे थे, जिम्मेदार कोई दिख ही नहीं रहा था। अगर बड़े परेशान, तब तक एक पुलिस के भाई दिखे, हमने कहा ये जिम्मेदार होंगे। भाई हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे रेहान भाई की जेब काटी जाए, कुछ हो, सारी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। मतलब पुलिस वाले करते नहीं हैं, वो खुद नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं पुलिस वाले उनके साथ करते हैं। अब हर एक चीज़ का, और सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो पुलिस के भाई खड़े थे, हमने गाड़ी रुकवाई और शीशा नीचे करके हम कहा भाई साहब ये रॉयल बिहार होटल किधर है? वो हमको देखते रहे और चल दिए, बोले किसी आदमी से पूछ लो। अब सर मेरी तो पुलिस आदमी नहीं होती क्या? अब मैं ये सोचने लगा, लेकिन पहुंचने की जल्दी थी। रेहान भाई ने कहा था जल्दी आ जाइएगा होटल में, पहले आइएगा, आप लोगों से कुछ काम है। ये जो कुर्सियां आप देख रहे हैं ना, तो खैर हम आगे बढ़े। डॉक्टर साहब सुनिए, आप तो बहुत 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 प्यारे इंसान हैं। जब आप वो सेंटर में मिनिस्टर थे तो लखनऊ में कई बार कवि सम्मेलन कराया, तो मैं बहुत आपको देख के बड़ा खुश हो रहा था, और मैं सोच रहा था आप जल्दी से फिर बनिए। तो खैर हम आगे बढ़े तो जीप खड़ी थी, बिल्कुल सच्ची घटना, एकदम भगवान का सब सच्ची घटना। जीप खड़ी थी, उसमें पुलिस के बड़े अफसर बैठे थे, बड़े वाले मतलब, तो बड़े अफसर थे। तो मैं उतर के गया। मैं आपको भी बताऊं, अगर किसी अफसर के पास आप जाएं तो हमेशा उतर के जाएं, वरना वो आपकी उतार देगा। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। तो मैं उतर के गया, हमने कहा सर वो रॉयल बिहार होटल किधर है? बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ जाना है। बोले क्यों?
हमने कहा हमको वहाँ ठहरना है, बोले क्यों? हमने कहा आज वहाँ मुशायरा है, बोले क्यों? हम समझ गए ये बड़ा अफसर है, हम समझ गए बड़ा अफसर है। बड़ा अफसर क्या होता है आपको बताता हूँ, आप बहुत इंजॉय कीजिएगा। बड़ा अफसर वही होता है जिसको ये न पता हो कि हमारे शहर में कब क्यों और क्या हो रहा है, वही बड़ा अफसर होता है। तो हमने कहा भाई साहब वो मुशायरा है, तो उन्होंने कहा क्यों? अच्छा ये हमको भी नहीं पता क्यों, ये क्यों हो रहा है हमको भी नहीं पता है, और ये रेहान भाई को भी नहीं पता क्यों हो रहा है, और खुर्शीद साहब को तो पता ही नहीं है। रेहान भाई ने इनसे कहा होना है, बोले होना है। तो ये है, तो लेकर मैंने कहा कि भाई मैं कवि हूँ, शायर हूँ, मुझे वहाँ जाना है। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, लगभग 11:30-12 बजे की। हमने कहा हमको वहाँ जाना है, मैं कवि हूँ। तो उन्होंने हमको देखा, बोले तुम कवि हो, देखने में तो आतंकवादी लगते हो। तो हमने उनसे पूछा आतंकवादी होता क्या है। व्यंग्य की भाषा शुरू करता हूँ, और पटना उस प्रदेश की राजधानी है जो प्रदेश हर साल हमें सबसे ज्यादा IAS और IPS अफसर देता है। मैं उस प्रदेश की राजधानी में खड़ा हूँ, मैं उस प्रदेश की राजधानी में खड़ा हूँ जहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति पैदा हुई, जहाँ बुद्ध पैदा होते हैं जो कहते हैं जियो और जीने दो, जहाँ महावीर पैदा होते हैं कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, और जहाँ गुरु गोविंद सिंह पैदा होते हैं कहते हैं कि 1,25,000 लड़ाऊं अगर वतन के ऊपर आँच आ जाए, तो उस धरती पर मैं खड़े होकर के बात। क्या बात। मैं व्यंग्य की भाषा शुरू करता हूँ, बस मुश्किल से अब 5-7 मिनट आपके पास रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है बड़े शायर हैं उनको भी सुनना है। मैंने अपना टाइम इस शुरू में जो ले लिया है उसी में मैं सुपरहिट हो चुका हूँ, मुझे पता है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम चल देंगे तो आप हमें अभी वाह वाह करके फिर से बुलाएंगे, तो वो वापस लौटने वाला काम कर रहा हूँ। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय ये बिटिया इनका खींच रही फोटो, वो उनका खींच रहे हैं, यार हमारा खींचो तुम लोग, हम खड़े हम हैं फोटो वो खींच रहे हैं। हमने अक्सर देखा ये, अच्छा मेरे साथ अक्सर ये होता है सर अक्सर ये होता है। मैं एक बार यहाँ गया में आया कवि सम्मेलन में, तो मेरी फोटो खींची, बिल्कुल सच्चा किस्सा है अजहर इकबाल साहब, बिल्कुल भगवान कसम सच्चा है। मेरी डॉक्टर शकील साहब मेरी फोटो खींची गई, दूसरे दिन अखबार में छपी, 3 दिन का प्रोग्राम था हिंदुस्तान अखबार का। तो जो और साथी कवि थे हमारे साथ, उन्होंने जब मेरी छपी हुई फोटो देखी तो अंदर से बहुत खौरियाए, मतलब खूब अंदर से गुस्सा हुए कि इसकी छप गई मेरी नहीं छपी, लेकिन ऊपर ऊपर सब तारीफ कर रहे थे, सर्वेश भाई मुबारक हो आपकी फ़ोटो छपी, आपकी फ़ोटो छपी। तो हम भी शुक्राने झुके जा रहे थे, अरे सर आपकी दुआएं हैं कर, ऐसे कहा जाता है, जबकि अंदर से हम कहते हैं जा भाई मेरी छपनी थी। अंदर अंदर सब यही करते हैं। तो एक जने बोले कि सर्वेश मिठाई खिलाओ, सच्चा किस्सा बता दें, फिर मैं छोटी सी कविता सुना के बैठ जाऊँगा। वो सच्चा किस्सा, तो मेरी फ़ोटो छपी, बोले मिठाई खिलाओ, हमने कहा अच्छा मैं खुद खिलाऊंगा, मैं खुद जा रहा हूँ लेने, क्या कहेंगे? सवेरे का टाइम था, बोले जलेबी। बिल्कुल मेरे साथ घटा किस्सा है, बाद में ये चुटकुला बन गया और खूब संचालक लोग उसको बताते हैं, लेकिन ये मेरे साथ घटी घटना है, लगभग 22 साल पुरानी है। तो मैं पहुँचा वहाँ जलेबी की दुकान पर, तो मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी, वो जलेबी खरीद रही थी, वो लगभग थी 19 साल की और मैं था 21-22 साल का। मैं उसी लड़की पर नज़र लगाया था, आप गलत मत समझिए, मतलब मैं बड़ा था तो मेरी जिम्मेदारी थी कि छोटों पर नज़र रखें, इसलिए हम उसको देख रहे थे। उस लड़की ने 100 ग्राम जलेबी खरीदी, मैंने देखा हलवाई ने अखबार के उसी पन्ने पर उसको 100 ग्राम जलेबी दी जिस पर मेरी फ़ोटो छपी हुई थी। ये बिल्कुल सच्चा किस्सा है। और उस लड़की ने सर वहीं पे जलेबी खाई और अखबार का टुकड़ा फेंक दिया, और मैंने देखा उधर एक कुत्ता खड़ा था, वो कुत्ता अखबार को देखे और फिर हमको देखे, अखबार को देखे फिर हमको देखे, बिल्कुल भगवान कसम सच्चा के साथ। और थोड़ी देर बाद मैं देख रहा था कि मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं व्यंग्य की बात सुनाता हूँ। हमने पुलिस अफसर से पूछा, सुनिएगा सटायर की भाषा समझिएगा, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत बताने की जरूरत नहीं, जो वाह वाह करेगा जो ताली बजाएगा वो पढ़ा लिखा है।
और जो नहीं करेगा वो अपना समझे हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि नहीं। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? पूरी जो हमारी व्यवस्था है उस पर अगर आपको चोट महसूस होती हुई दिखाई पड़े तो आप मुझे नवाज दीजिएगा अपनी दुआओं से। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो। वो बोले हत्या कर दो, अगली लाइन से टायर पकड़ लीजिएगा, वो बोले हत्या कर दो, पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। मैं सर लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ राजधानी है, जैसे पटना राजधानी है बिहार की, ऐसे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है, पटना में भी होगा ही, मैंने देखा नहीं है क्योंकि गया नहीं उधर कभी, मौके नहीं मिला। यूपी में भी नहीं मिलता, लेकिन वो रास्ता है तो निकल लेता हूँ, नहीं तो वहाँ कौन जाने देगा हमें, क्योंकि हम आम जनता हैं पढ़े लिखे। तो मैं लखनऊ में, सर्वेश भाई ये हिम्मत एक शहर ही कर सकता है। तो लखनऊ में विधानसभा मार्ग है, अभी हमारे यहाँ जो यूपी इलेक्शन हुआ उसके एक डेढ़ महीने पहले मैं उधर से गुजर रहा था, तो मेरी मुलाकात हो जाती है, कभी कोई नेता मिल गया, कोई मंत्री मिल गया, कोई डॉक्टर मिल गया, कोई कवि शायर मिल गया। उस दिन मैं गुजर रहा था तो वहाँ पर मुझे एक गिरगिट मिला। गिरगिट आप लोग जानते हैं, हम सब लोग उसी के जैसे होते हैं, बस शो नहीं करते हैं, बस होते उसी के जैसे। तो गिरगिट मिला, मैंने गिरगिट से छोटी सी बात की, नहीं ये भगवान का सब सच्चा है, नहीं बिल्कुल सच है। तो गिरगिट से हमने छोटी सी बात की, लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर अगर इसको बड़ा सेटायर करना है, इसका वसी करना है इसका फलक, तो आइए इसको कहते हैं दिल्ली के राजपथ पर, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। दिल्ली के राजपथ पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा, जुड़े रहिएगा अंतिम पंक्ति पे, ठाके ताली जो मनो कीजिएगा। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? तुलनात्मक मतलब द कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने सर बिल्कुल सही है, अंग्रेजी ठीक बोली ना। महोदय बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी किसी गिरगिट की दल बदलू नेता से तुलना करना महापाप है। अब तैयार हो जाए पटना, किसी गिरगिट की दल बदलू नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप। ये क्या बात है भाई, वाह वाह। देखिए सर, मैं हाथ जोड़कर भगवान कसम खाकर कह रहा हूँ, ये सब मैं उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए कह रहा हूँ। मेरा नहीं, भगवान कसम, भगवान कसम।